आपका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में, जिसके लास्ट ईयर के पेपर की सीरीज चल रही है। आज फोर्थ नंबर पेपर की बारी है, जिसमें फैमिली लॉ सेकेंड पेपर होगा, जो है आपका मुस्लिम लॉ मोहम्मदन लॉ। यदि आप ALU यूनिवर्सिटी से हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की, वो सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलो भी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका पेपर है वो 2 घंटे का हुआ है और 60 मार्क्स का हुआ है। इस बार जो पेपर आने वाला है वो आपका 3 घंटे का आएगा और टोटल 100 नंबर का आने वाला है। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। इस वाले पेपर में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के उद्भव, इतिहास एवं विकास की विशिष्ट व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको मुस्लिम विधि के उद्भव के बारे में, उसका इतिहास क्या रहा, किस प्रकार विकसित हुआ, उसके बारे में पूरी जो थ्योरी है वो लिखनी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, मेहर को परिभाषित कीजिए। मेहर के संदर्भ में विभिन्न अधिकारों को समझाइए। जो ये मेहर का क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगभग आपको हर साल के पेपर में आपको देखने मिल जाएगा, जो भी LLB का पेपर होता है उसमें। इसमें आपको मेहर को डेफिनेट करना है, फिर उसके बाद में मेहर के संबंधित जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों का विस्तार से वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, हक सफा से आप क्या समझते हैं। निंदितवाद की सहायता से हक सफा के विभिन्न विधिक प्रभावों को बताइए। आपको हक सफा बताना है कि क्या होता है, फिर हक सफा के क्या विधिक प्रभाव पड़ता है, उसका विधिक मान्यता क्या है, उसका प्रभाव क्या रहता है, वो बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वसीयत से क्या तात्पर्य है। वसीयत के लिए आवश्यक शर्तों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब इसमें आपको वसीयत के बारे में डेफिनेशन देनी है, फिर वसीयत की जो आवश्यक शर्तें होती है, आवश्यक बातें होती है, वो सब आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, वफ को परिभाषित कीजिए। वफ के आवश्यक तत्व और विभिन्न प्रकार को समझाइए। इसमें आपको वफ की डेफिनेशन देनी है पहले, उसका सामान्य परिचय देना है, फिर उसके बारे में जो पता है वो बताना है, एग्जांपल की सहायता से उसको समझाना है। फिर उसके बाद में आपको वफ के जो आवश्यक तत्व होते हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वफ के अंदर, वो बतानी है। फिर उसके बारे में वफ के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो प्रकार बताने हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न की टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 2 का आंसर करना रहेगा। आपका ए ऑप्शन है मुस्लिम विधि के स्रोत, बी ऑप्शन है मुस्लिम विवाह की प्रकृति, सी ऑप्शन है हिब्बा के प्रकार, और डी ऑप्शन है वफ संशोधन अधिनियम 2013 के उद्देश्य। इस प्रकार इन 4ों में से आपको 2 ऑप्शन जो आते हैं वो करने रहेंगे। इस क्वेश्चन आने से आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको कोई ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें से आप 4 में से 2 चूज करके आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा पेपर देखा। अब इसमें इन क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार आपको ड्राफ्ट करने हैं, कैसे लिखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। काफ़ी बार हम लोग को आंसर पूरा आ रहा होता है, हम लोग अच्छे से लिख के आते हैं, पर हमें उतने नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने आंसर उस प्रोसेस में नहीं लिखा है, उन पॉइंट्स में नहीं लिखा है जिस पॉइंट्स में राइटर हमसे चाहता है, जो कॉपी चेक करने वाला है वो हमसे चाहता है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस रेंज में नहीं लिखने के कारण हमारे नंबर कम बनते हैं। इसलिए मैक्सिमम नंबर लाने के लिए आपको वो वीडियो पूरा देखना चाहिए, उसके हिसाब से ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही एग्ज़ाम के पास में जो गेस पेपर होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अब आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अब इन पेपर के आप आंसर भी चाहते हो कि इन क्वेश्चन को हम आंसर कराएं, पेपर को सॉल्व करवाएं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम इनके लिए सॉल्व वीडियो भी आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।